नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। फ्लाईओवर की मांग को लेकर युवा किसान संगठन के कार्यकर्ता व क्षेत्रियों द्वारा रविवार से जेल चौराहे पर चल रहा धरना प्रदर्शन सोमवार को समाप्त हुआ। संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने बताया कि धरने के दूसरे दिन सभी ने मिलकर एसडीएम व बीएनपी थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हम सभी क्षेत्रवासी प्रतिदिन आए दिन कार्यों के लिए नेवरी मार्ग से देवास के लिए जाते हैं व नागदा व पालनगर से देवास की ओर आते हैं। फ्लाईओवर न होने के कारण दुर्घटना की आशंका रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। फ्लाईओवर न होने के कारण अब तक 2500 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। क्षेत्र के सभी किसान, व्यापारी व स्कूली छात्र छात्राएं इसी रोड के माध्यम से अपने गंतव्य पर चलते हैं, क्योंकि यह रोड अब 6 लाइन हो गया है। इस वजह से वाहनों की गति में काफी इजाफा हुआ है, जिससे दुर्घटना होने की और भी संभावना बढ़ गई है। इस मार्ग पर टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। युवा किसान संगठन के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और क्या प्रशासन करेगा? किसान लोग हैं, इनका आना जाना इस मार्ग से मुख्य होता है। हाईवे पे ना तो स्पीड ब्रेकर है, ना जो है ट्रैफिक का कोई व्यवस्थित आवागमन की कोई व्यवस्था है, ये दुर्घटना के पॉइंट बन गया। इसलिए इनका विरोध था कि फ्लाईओवर बनाया जाए और जो है स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और थोड़ा सा ताकि सड़क पे आने जाने वालों की दुर्घटनाएं कम हो सके। सर, फ्लाईओवर की मांग राजोदा पर भी है और पालनगर पे भी है, दोनों जगह। तो क्या प्रशासन अब इसमें आगे करने जा रहा है? ये जनरली अभी देखने में आ रहा है, गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। ये पूरा प्रस्ताव बना के कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रशासन को तो आज सर धरने से उठ जाएंगे। मैंने अभी ज्ञापन इसलिए दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आईबीएन 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।